लोग बनेंगे बिलियनियर, वो भी 100 डेज में। गाइस यहाँ पे तो हम चारों के लिए गाड़ियाँ भी रखी हुई है। एक काम करो, सबके सब बैठ जाओ अपने अपने साइज की गाड़ियों में। चलो गाइस मैं तो बीच वाली गाड़ी में बैठ गया हूँ। चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। चलो मैं भी बैठ गया हूँ। चलो भाई अब सबके सब मेरे पीछे आओ, लेट्स गो। ओके गाइस अभी हम लोग निकल लिए हैं। यहाँ पे शिनचैन, राजू और टिल्लू भी आ रहे हैं हमारे पीछे। एक सेकंड गाइस, वहाँ पे तो कुछ लोग खड़े हैं। गाइस हमें कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा जल्दी से पैसे कमा कर अमीर होने का। अभी तो हमारे जेब में 0 रुपए हैं। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर तो गिटार और तबला रखा हुआ है। अरे तुम तीनों मेरी बात सुनो। अरे हाँ बोलो यार, यहाँ पे गिटार और तबला रखा हुआ है। चलो हम सब कोई मिलकर गाना गाते हैं और डांस करते हैं। अरे ये कौन सा गाना लग गया? अरे तुम लोग ने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? अरे ओ जेठालाल, धक्का किसको दे रहे हैं? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे यार तुम दिनों उसे इग्नोर करो और डांस करो। अरे वाह गाइस, यहाँ पे तो भीड़ जमा हो गई है। अरे तुम लोग तो बहुत अच्छा नाच रहे हो, इसलिए तुम मेरी तरफ से $10 रख लो। ओके गाइस अभी हमें टोटल $100 मिल चुके हैं। अब इन $100 से सबसे पहले हम अपने लिए कपड़े खरीद लेंगे। तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने लिए कपड़े खरीदने। अपने पीछे अभी टिल्लू, राजू और शिनचैन भी आ ही रहे हैं। अरे भाई राजू, तू मुझसे रेस लगाना चाहता है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो मुझे ठोकर मारना बंद करना। ओके गाइस ये रही कपड़े की शॉप, यहाँ से जल्दी से कपड़े खरीद लेते हैं। ये मैंने क्या कर दिया दोस्तों? चलो अब आज भाई को ठोक देते हैं। अरे भाई राजू तू पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है? गाइस जल्दी से यहाँ से हम अपने लिए कपड़े खरीद लेते हैं। ओके गाइस तो अभी हमने कपड़े खरीद लिए। मुझे भी पता है ये कपड़े उतने कुछ खास नहीं है, पर यार अभी इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो कपड़ों के कितने पैसे हुए? $50। ओके अब हमने $100 में से $50 खर्च कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ $50 ही बचे हैं। अब तुम तीनों मेरी बात अच्छे से सुन लो। अरे हाँ बोलो। देखो अब हम चारों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और लोगों को कुछ ना कुछ सामान बेचेंगे। जैसे तुम एक 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट खरीदोगे तो तुम उसको किसी और को 20 रुपए में बेच सकते हो। बूम, 10 रुपए का प्रॉफिट। अरे वाह, ये प्लान तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। अरे तो फिर देरी किस बात की, चलो काम पे लगते हैं। अरे लेकिन हम बेचेंगे क्या? वेट एक सेकंड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गाइस एक काम करते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाके थोड़े बहुत चिप्स वगैरह के पैकेट ले लेते हैं और फिर उसी को हम आगे बेच देते हैं। ओके गाइस ग्रोसरी स्टोर तो मिल चुका है, अब यहाँ से हम खरीद लेते हैं चिप्स वगैरह के पैकेट। ओके तो यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। ओके तो ये रहे चिप्स के पैकेट। यार यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लेवर्स है, एक काम करते हैं हम सारे फ्लेवर्स का एक एक पैकेट ले लेते हैं। भैया एक चिप्स का पैकेट कितने डॉलर का है? $5 का। इसका मतलब अगर हम 4 चिप्स के पैकेट लेंगे तो हमें $20 देने पड़ेंगे। मतलब भाई अब हमारे पास 50 में से सिर्फ $30 ही बचे हैं। ओके गाइस हमने 4 चिप्स के पैकेट तो ले लिए हैं, अब चलो जल्दी से इन्हें बेचने चलते हैं। चलो सबको एक एक चिप्स का पैकेट पकड़ो तो तुम लोग अच्छे से बेच तो लोगे ना? अरे हाँ बिल्कुल। चलो फिर चलते हैं। गाइस यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, चलो इसको बेच कर देखते हैं। और भाई क्या हालचाल? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ? अरे मैं भी बढ़िया हूँ यार, लेकिन यार तुम इतने देर से यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम्हें भूख तो लग रही होगी ना? अरे हाँ यार भूख तो लग रही है। अरे तो टेंशन किस बात की, मैं तुम्हारे लिए चिप्स लेकर आया हूँ। अरे वह क्या बात है, तो कितने में दोगे ये चिप्स का पैकेट? अरे मैं तुम्हें सिर्फ $10 में दे दूंगा। चलो सही है, ले लेता हूँ, ये लो तुम्हारे पैसे। ओके गाइस अभी हमें $10 मिल चुके हैं। अरे गाइस मैं किसको चिप्स बेचूं? अरे यहाँ पर एक अंकल है, इन्हें बेच कर देखता हूँ। अरे अंकल आपको भूख लग रही है क्या? अरे हाँ तभी तो ये डोनट खा रहा हूँ। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। चलो गाइस किसी और से बात करके देखता हूँ। चलो दोस्तों सामने से जो भैया जा रहे हैं उनको चिप्स का पैकेट बेच देता हूँ। अरे भैया आप कैसे हो? अरे बढ़िया हूँ यार, तुम बताओ? अरे भैया आपको भूख तो लग रही होगी ना? अरे हाँ भाई भूख तो लग रही है। तो एक काम करो, ये चिप्स का पैकेट ले लो मुझसे सिर्फ और सिर्फ $10 में। अरे हाँ चलो ठीक है, ले लेता हूँ। अरे गाइस मेरे दिमाग में एक सॉलिड प्लान आया है। मैं इस चिप्स के पैकेट को बेचूंगा नहीं, मैं इस पैकेट को खुद ही खा लूंगा। क्या बात है गाइस, ये चिप्स तो बहुत ही टेस्टी है। अरे गाइस वहाँ पर एक दीदी खड़ी है, चलो इनको मैं खाना बेच कर देखता हूँ। अरे बेटा कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ दीदी। अरे मेरे पास आपके लिए कुछ है। अरे क्या है? अरे
भाई मेरे पास आपके लिए चिप्स का पैकेट है। अरे वाह बेटा। हाँ, और ये भी बस $10 में। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो मैं इसे खरीद लेती हूँ। अरे वाह गाइस, हमें और $10 मिल गए, आज तो मजा ही आ गया, क्या बात है। गाइस अब हम किसको, अरे एक सेकेंड, टिल्लू तू ये क्या कर रहा है? भाई तुझे चिप्स का पैकेट बेचने के लिए दिया था, खाने के लिए नहीं। अरे वो मैं खान नहीं लाऊ, मैं इसका पौधा बना लाऊ। क्या चिप्स का पौधा बना रहे? भाई कम से कम झूठ तो ढंग से बोल लिया कर। चल कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चिप्स मुझे भी दे दे। अरे वो इसमें चिप्स खत्म हो गया है। भाई ये भी ठीक है, तूने चिप्स भी नहीं बचाए मेरे लिए, याद रखूंगा टिल्लू। अरे मैंने भी एक चिप्स का पैकेट बेच दिया। और मैंने 2 चिप्स के पैकेट बेच दिए। अरे भाई यार सिंचन और राजू तुमने तो बहुत सही काम किया, लेकिन गाइस ऐसे छोटे मोटे काम करके हम कैसे 100 डेज में बिलियनर बनेंगे? अरे मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया है। अच्छा बताइयो जरा अपना खुराफाती आइडिया। अरे हम बैंक लॉबली कर सकते हैं और उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यार टिल्लू तू है छोटा लेकिन तेरा दिमाग बहुत ज्यादा बड़ा है, हम बैंक रॉबरी तो कर सकते हैं आराम से। ओके गाइस अभी हम बैंक तो पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेते हैं। परफेक्ट, अब हम लोग एकदम पक्के चोर जैसे दिख रहे हैं। गाइस अभी तो इन तीनों को मैं बैंक रॉबरी के लिए नहीं ले जा सकता, तो अभी हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। चलो गाइस अब हमने हाथ में गन भी ले ली है, चलो 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 पैसे निकालो पैसे। अरे हाँ निकालता हूँ, बस बस गोली मत चलाना। अरे तू भी पैसे निकाल जल्दी जल्दी। अरे हाँ निकाल रहा हूँ, बस शूट मत करना। चलो गाइस दो लोगों से तो अभी हमने पैसे निकलवा लिए हैं। अरे ये लो आपके पैसे। ओके गाइस अभी हमें पैसे तो मिल चुके हैं, तू भी पैसे निकाल चल। अरे हाँ ये लो। चलो गाइस अभी हमें टोटल में $10,000 मिल चुके हैं, अब जल्दी से मेन जगह को लूटते हैं। चलो गाइस यहाँ से नीचे चलते हैं फटाफट। ओके वो रहा लॉकर, इसके पीछे है भाई पूरा खजाना। यहाँ पे जल्दी से एक स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं। ओके हमने लगा दिया है स्टिकी बॉम्ब, अब जल्दी से अपने कान बंद कर लेते हैं। ओ भाई धमाका हो गया। ओके गाइस गेट भी खुल चुका है, क्या बात है। ओके गाइस तो ये रहा सारा खजाना। चलो गाइस सारा सामान हम अपने बैग में भर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके गाइस अभी हमने अच्छा खासा माल लूट लिया है, अब जल्दी से चलते हैं और भागते हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। एक सेकंड गाइस, मुझे पुलिस का सायरन क्यों सुनाई दे रहा है? ते भाई यहाँ पे कितने सारे पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिस ने तुम्हें चारों से घेर लिया है, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, अपना वेपन फेंक दो और सरेंडर कर दो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकना। गाइस एक काम करते हैं, थोड़े बहुत पुलिस ऑफिसरों को टपका देते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। गाइस हमने आधे से ज्यादा पुलिस ऑफिसरों को टपका दिया है, अब जल्दी से पुलिस की ही गाड़ी लेकर निकलते हैं। इसको भी टपका दिया हमने, भाई जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। गाइस अपने पीछे तो पूरी पलटन आ रही है पुलिस की। गाइस ये लोग तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भाई ये सब क्या चल रहा है, जल्दी से गाड़ी को भगाना पड़ेगा। गाइस आगे में तो रोड ब्लॉक है, हमको स्टिकी बॉम्ब फेंकना पड़ेगा, लेट्स गो। लेकिन एक दिक्कत है, हमारी गाड़ी में फ्यूल बहुत कम बचा है। हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत कम होते जा रही है, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। गाइस अब हम क्या करें? पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अपना वेपन नीचे फेंक दो। गाइस अब तो मुझे नहीं लगता जीतने की कोई उम्मीद है। चलो अब पुलिस स्टेशन, अब जेल में चक्की पीसना। चलो आओ बैठो गाड़ी में, चलो अब यही मजे करना तुम, चलो उतरो गाड़ी से। गाइस ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारा तो पोपट हो गया। 3 days later. गाइस ये हमारा क्या हाल हो गया है, हम क्या करना चाहते थे और क्या कर बैठे। अभास भाई आप चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं। एक सेकंड गाइस, ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? अरे गाइस इसमें तो राजू टिल्लू और सिंचन है। अरे आप जल्दी से बैठो। अरे हाँ भाई बैठ रहा हूँ। अरे भाई राजू तुम लोग ने ये हेलीकॉप्टर कहाँ से जुगाड़ा? अरे वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यार तुम लोग ने बहुत तगड़ा एस्केप करा दिया मेरा प्रिजन से। अरे अभास भाई एक काम करो, आप यहाँ से कूद जाओ, हम तीनों को थोड़ा काम है, हम बाद में मिलते हैं आपसे। अच्छा ठीक है मैं कूद जाता हूँ। ओ भाई अरे मैं तो पैराशूट रखना ही भूल गया, ये क्या हुआ? अब पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। ओ भाई गाइस 50 दिन हो चुके हैं। गाइस अब हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड गाइस, ये तो एक लैम्बोर्गिनी है, लेकिन इसका ये क्या हाल हो रखा है, इस गाड़ी को तो फेंक दिया गया है। मेरे
मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। गाइस तुमको पता है मेरा एक दोस्त है जो कि एक मैकेनिक है और उसका नाम बंटी है। इस गाड़ी को उसके मैकेनिक शॉप पे ले जाकर रिनोवेट करा लेते हैं और एकदम नई की नई लैम्बोर्गिनी बना देंगे और फिर उसको बेच देंगे। सबसे पहले तो मुझे उसको कॉल करना होगा। ओके गाइस अभी अपना दोस्त आ गया है टो ट्रक लेकर। और भाई आभास कैसे हो? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू बता। अरे मैं भी बढ़िया हूँ यार। अच्छा तो ये है वो गाड़ी यार, इसको तो हम आराम से रिनोवेट कर सकते हैं। चलो इसे हम अपनी ट्रक के पीछे लगा देते हैं। चलो हुक तो लग गया है, अब तुम भी आकर बैठ जाओ। अरे हाँ हाँ चलो 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 गाइस। तो अभी हम इसकी मैकेनिक शॉप पर पहुँच चुके हैं, अब जल्दी से इस गाड़ी को अंदर ले जाते हैं। ओके गाइस हमने गाड़ी तो अंदर ले आई है, देखते हैं भाई ये रिनोवेशन के बाद कैसी दिखेगी। ओ भाई ये क्या ही बवाल मचा दिया तूने, क्या लग रही है भाई ये गाड़ी, बोले तो एकदम जकास। चल यार इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेकर देखते हैं भाई, मजा ही आ जाएगा इस गाड़ी को चला के तो। अरे हाँ यार तुम एकदम सही बोल रहे हो, चलो इसको बाहर लेकर चलते हैं। गाइस इस गाड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो हम एक काम करते हैं, इस कार का ऑक्शन रखते हैं। गाइस यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं। हाँ भाई तो कौन कितने पैसे देने को राजी है इस गाड़ी के लिए? मैं $1 million दूंगा। मैं $2 million दूंगा। 2.5 million दूंगा। अरे मैं $5 million दूंगा। ओके गाइस मेरे को लगता है $5 million ही आखिरी प्राइस है, क्योंकि अब कोई और कुछ बोल नहीं रहा है। ये लो तुम्हारे पैसे, आज तो मजा ही आ गया, क्या बात है। चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, क्या बात है। अरे भाई वो अंकल तो बड़े जोश में थे, कोई ना हमारा तो $5 million का प्रॉफिट हो गया है। हम ऐसे ही कबाड़ा गाड़ियों को खोजने चलते हैं, एक ना एक तो मिल ही जाएगी। लो भाई तीन गाड़ियां तो यही मिल गई, चल तीनों को रिनोवेट कराते हैं। भाई ये तीनों गाड़ी रिनोवेट होने के बाद कितनी तगड़ी लग रही है, अब इन तीनों को अभी बेच देते हैं। गाइस यहाँ पर हमें एक बुगाटी मिल चुकी है, इसको भी जल्दी से रिनोवेट करा लेते हैं। अब चलो इसे भी हम बेच देते हैं। भाई अब तो मुझे लगता है कि हमें अपना एक शोरूम खोल लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां आ गई है ना कि क्या ही बताएं। और अभी हमारे पास बिलियनर बनने के लिए सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, तो जल्दी से एक शोरूम खोल लेते हैं और वहां से तो हम पक्का बिलियनर बन जाएंगे। ओके गाइस तो ये रहा वो शोरूम जिसे हम अभी खरीदने वाले हैं, तो जल्दी से हम इस शोरूम को पूरा भर देते हैं गाड़ियों से। ओके गाइस अभी हमने इस पूरी जगह को गाड़ियों से भर दिया है, मतलब आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, BMW हर प्रकार की सुपर कार्स है। और भाई अगर अंदर देखे तो अंदर की तरफ भी हमको बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियां देखने को मिल जाती है, अब बस कस्टमर्स के आने का वेट करना है। अरे यहाँ पे ये नया शोरूम खुला है क्या? अरे हाँ हाँ नया शोरूम है, बताइए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? अरे मुझे ये फरारी दे दो, ये बहुत बढ़िया लग रही है। अरे मेरे बैठने के लिए तो जगह ही नहीं बची। चलो ठीक है आप इस गाड़ी को ले जाओ, इसके आपको $2 million देने होंगे। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, अब हम चलते हैं यार। गाइस यहाँ पे तो कस्टमर्स की एकदम लाइन लग गई है, यहाँ तो बहुत लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। सही है गाइस, अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। चलो गाइस अभी अपनी बाहर खड़ी सारी गाड़ियाँ बिक चुकी है, लेकिन 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 हमारे पास एक बहुत खतरनाक सी गाड़ी है जो कि पूरी सोने की है, और उसको तो कोई बिलियनर ही खरीद सकता है। तो गाइस ये है वो गाड़ी जो की पूरी सोने की बनी हुई है, इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। देखते हैं भाई इस गाड़ी को कौन खरीद पाता है। अरे ये गाड़ी सोने की है क्या? हाँ सर ये गाड़ी सोने की है, लेकिन इसकी कीमत है $1 billion। $1 billion? अरे हाँ वही सर, मतलब इसको आप शायद ही खरीद पाओगे, मुझे नहीं पता। अरे तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये लो तुम्हारे $1 billion। अरे सर आप तो अंबानी निकले। अरे चलो हटो, अब ये गाड़ी मेरी हो गई है, अगली बार से मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। आ जाते कहां कहां से। गाइस सही है, अपना तो प्रॉफिट हो गया और अभी भी हमारे पास 5 दिन बचे ही हुए हैं, तो फाइनली हम 100 डेज के अंदर बिलियनर बन ही गए।